हाय फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में एंड मेरा नाम है ज्योति। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में सूजी का हलवा कैसे बनाएं। तो देखते हैं, हम रेसिपी पर गैस कर लेते हैं ऑन। हम रख लेंगे ऊपर बर्तन। थोड़ा सा हम इसे गर्म कर देंगे। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे दाल का घी का। हमने 3 चम्मच घी डाल लिया है एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। सूजी को हम पहले प्लेट में निकाल लेते हैं एंड सॉरी घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने सूजी को छान लिया अच्छे से, तो अब हम सूजी इसमें डाल देंगे। गैस कर देंगे हम बिल्कुल लो। हमारी डाल ली है, अब हम इसे हिलाएंगे अच्छे से। हिला देंगे हम तब तक हिलाएंगे जब तक ब्राउन हो जाएगा। तो घी अच्छे से ब्राउन मतलब गर्म हो चुका है, फिर जब ब्राउन हो जाएगा देखिए आप, ये देखिए पर अभी ब्राउन हो गया है। पीछे हो जाना। पानी डालकर 1 मिनट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर और हीट आपने मीडियम रखनी है। ये हमने शुगर ऐड कर ली है 1/2 कटोरी। जिस हिसाब से आपका हलवा बन रहा है उस हिसाब से आपको चीनी ऐड करनी है। अगर कोई ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भी रख सकते हैं, अपने मन अनुसार डालिए। तो हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। अब थोड़ा टाइम हो गया, तो हम गैस को थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा हाई कर लेंगे। हमने हाई कर लिया फ्लेम, अब इसे हम अच्छे से हिलाएंगे। तो हम इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। देखिए अभी हमारा टाइट हो रहा है, थोड़ा सा और घूम कर करेंगे जल्दी से। देखिए अभी थोड़ा सा और पका लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारा हलवा थोड़ा सा मतलब गाढ़ा होने लग रहा है, थोड़ा सा और करेंगे। तो देखिए तो हमने इसमें डाल दिया है। अब ये है हमारे सौंफ, जिसे बोलते हैं मीठे सौंफ। इसमें हम इसे डाल देंगे अच्छे से। ये हम बादाम का जो है हमने थोड़ा सा ही ग्राइंड किए हैं, इसे डाल देंगे। थोड़े से मैंने बचा के रखे आगे, मतलब जैसे हम जब सर्व करते हैं तो ऊपर से डाल सकते हैं, जिसे मैं फिर डालती हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो है हलवा बनकर तैयार हो चुका है। जो हमने इसमें डाला था ये सौंफ वगैरह बादाम, आप इसमें काजू डाल सकते हैं। मेरे पास अभी मतलब अवेलेबल नहीं है चीज़ एंड इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं डाल रही। मतलब जरूर डाले, बहुत अच्छा फ्लेम आएगा एंड खुशबू टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम इसे निकाल देते हैं, गैस इससे गर्म कर देते हैं बंद। तो देखिए ये जो हलवा है हमारा बनकर तैयार हो चुका है, मैंने प्लेट में निकाल लिया है इसे। तो इससे ऊपर इसके ऊपर हम बादाम जो हमने रखे थे थोड़े से वो हम डाल लेते हैं इसे। हाँ
देखिए हमने जो इसमें जो ग्राइंडर किए थे बादाम वो भी डाल दिए हैं। आप थोड़ा बड़े भी बादाम डाल सकते हैं। लाइक एंड कमेंट करके बताइए, एंड आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो आप भी ट्राई करिए इसे। एंड तो चलते तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले रेसिपी में।